सो वेलकम गाइस सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको बेसिक सा क्वेश्चन है हमें मालूम है कि मशीन को मतलब हमारे पीसी को सिर्फ एक ही लैंग्वेज मालूम है वो है ज़ीरो और वन ओके बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली ओके कंप्यूटर नोज ओनली ज़ीरो एंड वन देन हम जो ये कैरेक्टर्स देख रहे हैं अभी देखो ये चैनल डैश डैशबोर्ड आज टेबल अनटाइटल जाम ये सब जो कैरेक्टर्स देख रहे हैं वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते रहेंगे अभी बेसिकली बहुत से लोगों को मालूम है आज की वैल्यूज़ वगैरह बट आज की वैल्यूज़ कैसे आया वो बता वो पहले मैं बताता हूँ कि सीन क्या था मतलब वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स थ्रू दिस जीरो एंड वन ओके इससे तो हम बहुत ईजीली uh, रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वगैरह है हमारे पास मैथमेटिकल सीन्स बट हम इस कैरेक्टर्स को मतलब ये जो कैरेक्टर्स है इसमें ये कर्व है ओके okay, ये लाइन है लाइन मतलब एक सिंबल ओके okay, इन कैरेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली आज की आज की जब आया नहीं था उससे पहले क्या था अभी देखो अभी मेरा आ, कौन सा तो एक मैन्युफैक्चरर है ओके okay, मेरे कंप्यूटर का एक मैन्युफैक्चरर है तो वो खुद के लिए एक मैपिंग बना था था मतलब ए के लिए कोई तो नंबर ऐसा असाइन कर देता था वो ओके जीरो वन ऐसे बाइनरी में नंबर असाइन कर देता था हर एक मैन्युफैक्चरर लाइक like अभी ये मेरा एच का है ओके एच के एच वालों ने एक ऐसा मैपिंग बनाया कि हम कैरेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ओके अगर हमें ए शो करना है तो मुझे मैं ये वाला बाइनरी यूज करूँगा बी शो करना है तो ये वाला बाइनरी मतलब ऐसा एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं होता था कि कैरेक्टर्स लाइक देर आर मैनी थिंग्स लाइक उस लाइन्स ओके सो बेसिकली वो होता था हर एक मैन्युफैक्चरर अलग अलग मैपिंग करता था कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए ओके तो बाद में की नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम ऐसा स्टेबल रखते हैं हर मैन्युफैक्चरर अलग अलग नहीं रखते इंडिपेंडेंट नहीं रखते ओके तो उन्होंने एक ऐसा बनाया जिसमें जिसमें हम हर एक कैरेक्टर को ओके कैरेक्टर और समथिंग उसको हम एक डेसिमल नंबर से जान सकते हैं देट इज़ द आज की वैल्यू मतलब उन्होंने एक कॉमन मैपिंग किया जिसमें उन्होंने सब डिफॉल्ट सेट कर दिया कि हमें अगर ए चाहिए तो मैं डेसिमल में इसको सिक्सटीफाई कर दूँगा तो अब क्या हुआ हर हर मैन्युफैक्चरर यही वाला मैपिंग यूज़ कर रहा है हर मतलब जो भी मशीन बनाता था ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी तो वो ये वाला मैपिंग यूज़ करता था जो कि आज की टेबल है सो दैट इज़ द थिंग ऑफ आस की सो बेसिकली आस की वैल्यू हम कैसे प्रिंट कर सकते इसमें uh, अभी देर आर द कैरेक्टर्स ओके अभी हम कैरेक्टर का आस की वैल्यू प्रिंट करेंगे ओके फॉर दैट अभी मैं क्या करता हूँ एक कैरेक्ट टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करता हूँ जेड ओके okay, भाई अपन लास्ट से स्टार्ट करते हैं अभी कैरेक्टर है तो मुझे सिंगल कोट लेना चाहिए ओके okay. तो मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ इंटीजर टाइप में ओके तो मुझे इंटीजर में टाइप इंटीजर में प्रिंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे प्रिंट एफ वाले फंक्शन को बताना पड़ेगा ना कि कौन सा फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट का डेटा प्रिंट करना है उसे तो मैं मैंने उसे बता दिया इंटीजर टाइप का फॉर्मेट बट मैं क्या भेज रहा हूँ ये जो वेरिएबल है मेरा ए तो मैं इसको भेज रहा हूँ ओके इसको रिटर्न ज़ीरो लिख देता हूँ ओके okay, इसको कंट्रोल एस कर दिया अभी जो प्रिंट होगा वो नंबर फॉर्मेट में होगा बिकॉज मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी दिया है तो अगर हम इसे रन करेंगे सी सी आस्की यही ना आस्की ओके आस्की डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट ए डॉट आउट ओके तो 122 जो कि इधर है वैल्यू जेड किधर है यार जेड 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 ओके वन ओके तो सेम सिमिलर ऐसा ही होता है अभी अगर मैं इधर सिर्फ स्पेस डालूंगा तो चेक करेंगे हम क्या आता है कंट्रोल एस स्पेस का क्या होगा कुछ तो आज की वैल्यू होगा ओके थर्टी टू तो स्पेस के लिए थर्टी टू है यस yes. इधर कैर में क्या है स्पेस डिफाइन है तो दैट्स ऑल अबाउट आज की वैल्यू अगर हम आज की वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या होगा ओके okay, चलो मैं क्या करता हूँ बी करता हूँ बी बी की मैं ये करता हूँ क्या बोलते इसको क्या बोलते क्या इसको एक्सप्लेमेटरी मार्क चलो क्या सही है तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ इन दोनों के एडिशन प्रिंट करता हूँ क्या होते है? देखेंगे हम ए प्लस बी ओके कंट्रोल कंट्रो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो क्या ओके कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओके सी सी आजकी डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट आउट ओके सिक्सटी फाइव ओके okay, तो चेक करेंगे हम ये क्या है ए का थर्टी टू है ए का थर्टी टू है बी का थर्टी थ्री ओके नेक्स्ट ये क्या ओ oh, कोंसिडेंसली उसका नेक्स्ट ही रहा तो इन दोनों का एडिशन वो सिक्सटी फाइव प्रिंट कर रहा है ओके okay, अभी इन दोनों का एडिशन सिक्सटी फाइव अगर मैं इसको परसेंट सी में प्रिंट कर दूँ तो क्या होगा देखेंगे अपन ओके आस्की एंड दिस इज ओके तो ये जो सिक्सटी फाइव है उसको आस्की में क्या रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ए तो वो मुझे कैरेक्टर में क्या दिया उसने कैपिटल ए दे दिया सो so, ये था बेसिक आस्की का इससे बहुत इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत क्वेश्चन होता है तो वो देखेंगे हम आगे जैसे जाएंगे वैसे ओके सो बेसिकली यही चिंता आसकी क्यों आया वो बेसिक थोड़ा सा ध्यान में आया तो भी सही है बेसिकली वो एक मैपिंग है जिसमें हम इंटरनली uh, ये जो अभी इधर दिख रहा है डेसिमल वैल्यू ये भी इंटरनली बाइनरी में होगा ना तो वो जस्ट दैट इज़ द मैपिंग मत मतलब कॉमन मैपिंग है जो हर जगह यूज़ होता है ओके दैट इज द थिंग अभी आस्की का लॉन्ग फॉर्म भूल गए हमें अभी वो याद में रखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज आस्की क्या है वो मालूम हुआ तो लॉन्ग फॉर्म क्या ओके इधर है ना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सो दैट इज द थिंग सो थैंक यू गाइज